हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मावा कोकोनट बर्फी। आप इसे इस फेस्टिवल्स में जरूर ट्राई करें। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। हम लगभग 1.5 कप कोकोनट लेंगे और हम लगभग हाफ टी स्पून देसी घी लेके इसको रोस्ट करेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट के प्लेस पे आप चाहें तो ड्राई कोकोनट या फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके मिक्सचर में बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने इस कोकोनट को डाला है ऐसे ही आप उसे फ्राई कर सकते हैं। हम इसे स्पैचुला की हेल्प से बीच बीच में लगातार चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इससे ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, अब ये 1 मिनट तक रोस्ट हो गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम हाफ टी स्पून देसी घी लेंगे। जब घी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तब इसमें हम लगभग 80 ग्राम मावा लेंगे, जिसे हम खोया बोलते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या आप इसे अगर घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। थोड़ी देर में मावा बिल्कुल मेल्ट कर जाएगा। ये देखिए, अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। जब मावा बिल्कुल मेल्ट हो जाए और हल्का सा भुन जाए तब इसमें हम पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। हमने लगभग हाफ कप चीनी ली है। इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चीनी भी बिल्कुल मेल्ट कर जाएगी। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। इस समय हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसमें जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट रोस्ट किए थे उसे डाल के मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस हमें फ्लेम ऑफ करके ही करना है। कढ़ाई इतनी गर्म है कि ये ऐसे ही इसमें फ्राई हो जाएगा। मिक्स करने के बाद मावा बिल्कुल सूख जाएगा। अगर मावा गीला लग रहा है तब इसमें हम और डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। एक छोटी सी थाली या प्लेट में हम देसी घी लेंगे। इसे हम ब्रश की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों की हेल्प से भी फैला सकते हैं। ये देखिए, अब हमने घी को बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लिया। अब हम जो मिक्सचर बनाए हैं मावा और कोकोनट का इसमें डालेंगे। फ्लेम से कढ़ाई उतारने के बाद तुरंत ही हमने थाली में घी लगाया और तुरंत ही इस मिक्सचर को कढ़ाई में डालेंगे। हमें ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है। अगर ये ठंडा हो गया तो हमारी बर्फी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हमें ये प्रोसेस गर्म पे ही करना है। अब एक स्पैचुला लेंगे या आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं, पर हमें बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। इसे हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। हम जितनी बर्फी मोटा बनाना चाहते हैं या पतला बनाना चाहते हैं उतना इसे फैला लेंगे। स्पैचुला से ये बिल्कुल अच्छे तरह से फैल जाता है। ये देखिए, इसे हम अच्छा सा शेप दे देंगे। अब इसे हाथों की हेल्प से बिल्कुल चिकना कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल चिकना कर लिया। ऊपर से हम डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निशिंग करेंगे। ऐसा करने से हमारी बर्फी बहुत ही सुंदर दिखती है। हम खूब सारा डेसिकेटेड कोकोनट ऐसे डालेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये मावा में चिपक जाए। कॉर्नर्स पे भी हम कोकोनट को ऐसे स्प्रेड करेंगे। लास्ट में हम इसे हाथों की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और इसे बिल्कुल फैला देंगे ताकि जहां मावा दिख रहा है वहां पे हम कोकोनट स्प्रेड कर दें। ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हम चॉप्ड किए हुए काजू और बादाम से गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो काजू बादाम को खड़ा खड़ा भी डाल सकते हैं या आप इसके पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अंदर तक थोड़ा सा चिपक जाए। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स जब हमने मावा और कोकोनट मिक्स किया था तब भी आप यूज कर सकते हैं। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड करना है ताकि ये पूरा मावा कवर कर ले। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से सजा सकते हैं। अब लास्ट में हम ऊपर चॉप्ड किए हुए पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग करने के बाद इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अंदर तक चिपक जाए। ये देखिए, हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस करेंगे।
अब ये हमने बिल्कुल तैयार कर लिया। इसे हम लगभग 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसे कट करेंगे। एक शार्प नाइफ से हम इसे कट करेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से कट रहा है और मावा भी बिल्कुल हार्ड हो गया है। आप इसे किसी भी शेप्स में कट कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डायगोनल शेप में भी कट कर सकते हैं। हमारी बर्फी बहुत ही बढ़िया बनी है। अब हम एक ऐसा स्पैचुला लेंगे, इससे हम बर्फी के नीचे की तरफ से अलग करेंगे। इससे ये बहुत आसानी से अलग हो जाएगा और हमारी बर्फी टूटेगी भी नहीं। ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी बर्फी कैसी बनी है। हमने ये वाला स्पैचुला यूज किया है। आप कोई भी फ्लैट स्पैचुला यूज कर सकते हैं। ये देखिए बर्फी कितनी बढ़िया दिख रही है और खाने में ये और भी टेस्टी है। आप इसे इस फेस्टिवल्स में जरूर ट्राई करें। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी इंस्टेंट कोकोनट मावा बर्फी बनकर तैयार है। आप इसे फेस्टिवल्स या ऐसे भी घर पे बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।